हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस इज गुरचरण। तो आरबीएल बैंक के रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हुए हैं, और वही तभी बोला था, एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो वो आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे। ये रिलायंस की रिलेटेड ही डील है, इसने डील कर ली है 27,000 करोड़ रुपया। ये फ्यूचर ग्रुप को पे करेगा। फ्यूचर ग्रुप को हमको सबको पता है कि इनके काफ़ी सारे इनके ब्रांचेज हैं, जैसे कि बिग बाजार हो गया, बिग बास्केट हो गया, इजी डे हो गया, और काफ़ी सारे इनके रिटेल सेक्टर का काम है इनका, फ्यूचर ग्रुप का। फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस इनका काम है, फ्यूचर फैशन फैशन फ्यूचर फैशन का काम इनका, फ्यूचर फैशन एंड रिटेल का। फ्यूचर जनरल जनरल इंश्योरेंस इनकी है, और फ्यूचर के काफ़ी सारे और फ्यूचर एंटरप्राइजेज इनका है, जिसका शेयर 10 रुपये के आसपास। फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर भी इनका ही है, वो भी कंपनी इनके फ्यूचर कंज्यूमर के 10 रुपये के पास चल रही है। फ्यूचर ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इनके ऊपर एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी 12-13 हजार करोड़ का कर्ज है इनके ऊपर। तो उसी के साथ रिलेटेड इन्होंने रिलायंस के साथ पहले भी डील की, काफी सारी खबरें आई थी, पर ये आज न्यूज़पेपर में ये क्लियर कर दिया हुआ इन्होंने कि ये पे करेगा ही करेगा 27,000 करोड़ रुपया। अगर फ्यूचर ग्रुप को इसने अक्वायर करना, तो 27,000 से 24,000 करोड़ के बीच बीच में रिलायंस इंडस्ट्री पे करेगी, मुकेश अंबानी। बट मेरे को ये चीज नहीं समझ लग रही, जो रिलायंस का खुद का शेयर है, खुद की कंपनी का शेयर बाहर की फॉरेन वाली कंपनी इसको बाय कर रही हैं, और रिलायंस इंडिया वाली कंपनी इसको बाय करी जा रहा है खुद। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की इनकम कहीं ना कहीं बाहर जा रही है। ये रिलायंस के जियो का हिस्सा वो बाहर बेच रहा है, और रिटेल का सेक्टर ये खुद अक्वायर कर रहा है। ये तो अभी तो इस न्यूज को डिस्कस करूंगा, फ्यूचर रिटेल का शेयर है उसको डिस्कस करूंगा। फ्यूचर रिटेल के ये इनके ओनर हैं किशोर बियानी जी, उन्होंने अपना बोला है कि रिलायंस इंडस्ट्री ये देखो 24 से 27 हजार करोड़ रुपया ये पे करेगा। ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है, ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है। तो इस न्यूज की वजह से ही ये शेयर फ्रीज लगेगा, मेरे को पक्का पता। किसी ने बाय करना फ्यूचर रिटेल का शेयर, अब बोल देता हूँ, फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है, 100 रुपए का सिंपल स्टॉप लॉस लगाना, आपने सिंपल स्टॉप लॉस 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, बाय करना, इसको होल्ड करना। ओनली नीड्स टू कैश बाय इन कैश विद द स्टॉप लॉस 100, इट विल गो टू 125, 150 और 180 भी जाएगा ये शेयर, मेरे को 100% श्योर है। ये कम से कम ये शेयर अपने रेट से दुगना हो जाएगा, अभी जिस भाव पे चल रहा है। ये 100 रुपए का शेयर आपको 200 के आसपास मिलेगा पोजिशनल, जैसे कि मैंने फ्यूचर रेपको होम फाइनेंस के बारे में बोला था, 100 के पास इसको बाय कर लो, 150 के पास शेयर चल रहा है वो आज। तो ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है, ये छोटी न्यूज नहीं है। सारा का सारा बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में आ जाएगा। फ्यूचर रिटेल आपको पता ही, आप भी जाते ही होंगे, FBB, फ्यूचर रिटेल, बिग बास्केट के सारा रिटेल सेगमेंट रिलायंस के पास आ जाएगा। एशिया रिचेस्ट मैन अंबानी हैज वर्ल्ड इज इन्वेस्टमेंट क्लोज 20 बिलियन फ्रॉम बैकर्स इंक्लूडिंग गूगल एंड फेसबुक इन टू हिज ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट एंड इज सीकिंग टू स्ट्रेंथ हिज हैंड इन इंडियाज ह्यूज रिटेल सेक्टर। रिलायंस एग्जिस्टिंग रिटेल ऑपरेशन ऑलरेडी रन क्लोज 12,000 स्टोर, रिलायंस के खुद के 12,000 के स्टोर चल रहे हैं, और कैश एंड कैरी के होलसेल के 6,700 स्टोर चल रहे हैं इसके। ओन्ड बाई इंडियाज फादर्स ऑफ मॉडर्न रिटेलिंग किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप इज होम टू सुपर मार्केट चेन बिग बाजार, इनका अप मार्केट फूड स्टोर्स, फूड हॉल एंड बार्गेन क्लोथिंग चेन ब्रांड फैक्ट्री इनकी है। ए सीरीज मीडिया रिपोर्ट टू हैव सेड दैट टू वर नियरिंग एग्रीमेंट ऑन द डील, मतलब डील होने के आसपास ही ये डील है, हो जाएगी ये। उन्होंने बोला कि आईसीआर की जो लेटेस्ट सितंबर की जो है, 12,770 करोड़ का कर्जा उन्होंने दिखाया हुआ है। अभी तक कोरोना और क्लोजर वगैरह रहा है, उसके बाद अभी दोबारा वैल्यूएशन करेंगे, उसी के बेस पे इन्होंने 27,000 करोड़ के आसपास पे आउट करने का डील हो जाएगी इनकी, ये जहाँ तक लग रहा है। 5 लिस्टेड एंटिटीज, देखो फ्यूचर रिटेल के शेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस आपने इसको लगाना है, फ्रीज लगेगी इसके, मैं बोल रहा हूँ फ्रीज, 125, 150 एंड 180 भी जाएगा ये। और इनका देखो फ्यूचर एंटरप्राइज बिफोर सेल टू सब्सिडरी रिलायंस एंड पेपर एडेड इन द रिलायंस लॉन्च जियो मार्ट इन ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस मूव्ड एम टू रिवाइलिंग Amazon.com लोकल यूनिट वॉलवर्ड INC फ्लिपकार्ट ह्यूज इंडियन मार्केट। अंबानी प्लान्स टू
लिस्ट रिलायंस डिजिटल, देखो जियो तो उन्होंने, आपको पता ही है कि रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस जो डिजिटल है ये सारा रिटेल सेक्टर का, इसको भी अलग कर देगा, सारे बिजनेस को ही अलग कर देगा। रिलायंस जियो का आपको पता ही है कि पाटलीपेट का इसने अलग शेयर लिस्ट कर दिया हुआ है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल का बिजनेस अलग जो हो जाएगा, रिलायंस डिजिटल भी अलग से लिस्ट हो जाएगा। ये देखो साफ साफ न्यूज में बता रहे हैं, ऐसी ऐसी न्यूज है आपको पता होनी चाहिए, जो भी रिलायंस के शेयर में डील कर रहा है। रिटेल यूनिट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर, ये देखो अंबानी प्लान्स टू लिस्ट, साफ साफ इन्होंने बोल दिया लिस्ट करवाएगा। ये देखो ऐसे ही न्यूज पता होनी चाहिए, कैसे क्या क्या आने वाले टाइम में हो सकता है। रिलायंस डिजिटल का जो रिलायंस में से हिस्सा है, जियो वाला तो अलग हो ही चुका है, रिलायंस डिजिटल भी अलग हो जाएगा। इट इज रिस्पॉन्स टू द मिंट रिपोर्ट फ्यूचर टेल सेड इट्स बोर्ड हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक एंड एक्सचेंजेस। तो ये तो थी न्यूज, न्यूज के बेस पे मैंने आपको बता दिया इस शेयर का। तो मतलब ऐसे ऐसे न्यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर रिटेल का शेयर देख लो अभी 105 रुपए के आसपास चल रहा है, 105 रुपए के आसपास, तभी मैंने आपको सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस बोला है। इसका आपको फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, फंडामेंटल देख लो, हर क्वार्टर में हर मंथ में 2015 में आया था 1800 करोड़, 7000 करोड़, 17000 करोड़, देखो सेल बढ़ रही है कि 19000 करोड़। इसके ऊपर सिर्फ एक ही फैक्ट है, वो कर्ज, 12-13 हजार करोड़ का कर्ज है, उससे इनकी प्रॉब्लम हो रही है इनको। देखो फाइनेंस कॉस्ट की 250-250 करोड़ रुपए के आसपास फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, क्वार्टरली डाटा है, क्वार्टरली मतलब अगर मैं क्वार्टरली 3 क्वार्टरों का अभी तक ये पूरे साल का डाटा है, ठीक है, हर साल इसकी सेल बढ़ रही है फाइनेंस कॉस्ट, कहीं ना कहीं सेल आप देखो 21000 करोड़ के आसपास है 2019 की, मार्च का अभी रिजल्ट आना है इनका। और नीचे हर साल देखो ये लॉस नहीं शो कर रहे, अच्छी बात है कि हर साल प्रॉफिट दिखा रहे हैं, 700 करोड़, 600 करोड़, 368 करोड़, हर साल प्रॉफिट आ रहा है इनका, यही फंडामेंटल्स होते हैं इनके, ठीक है। ये तो था इसका ईयरली, यहाँ पे आप देखोगे आप क्वार्टरली देखोगे 5000 करोड़, 5000 करोड़, 5000 करोड़, 15000 करोड़ तो सेल अभी तक हो चुकी है, मार्च का डाटा आ जाएगा तो वो भी 20-21 हजार करोड़ के पास सेल इनकी आ जाएगी, जितना की 2019 में थी। तो यहीं पे देखो आप इंटरेस्ट कॉस्ट इनको हर इस साल में 700 करोड़ की तो इंटरेस्ट कॉस्ट ही पड़ गई है, ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। प्रॉफिट देखो हर साल इनका हर क्वार्टर में 170 करोड़ के पास आ रहा है, प्रॉफिट आ तो रहा है ना प्रॉफिट, कम से कम ये 200-250 करोड़ के पास कंपनी कमा रही है। तो इसीलिए इस न्यूज के बेसिस पे देखो हर साल ईपीएस भी इनका बढ़ रहा है, तीन 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 ऑन एवरेज रेगुलर जितना है उतना ही चल रहा है। तो फ्यूचर रिटेल का एक और भी शेयर है, फ्यूचर कंज्यूमर का, आप देख सकते हो 10 रुपए के पास उसको सिंपल आपने 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, उसकी भी फ्रीज लगेगी, मैं बोल रहा हूँ 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 9 रुपए या 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के उसको बाय कर लो आप, वो भी 10 रुपए का है, वो आपको कम से कम 20 रुपए के पास मिल जाएगा, 15 और 20 का जाएगा ही जाएगा शेयर, वो 15 और 20 कम से कम डबल हो जाएगा, 50 टू कम से कम 70-80% रिटर्न है अगर ये डील फाइनल हो जाती है रिलायंस की, क्योंकि सारा कर्जा इनका खत्म हो जाएगा, रिलायंस के पास आएगा, रिलायंस के पास कोई भी चीज आ जाएगी तो वो उसके तो बूम हो जाएगी शेयर वो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दोनों फ्यूचर कंज्यूमर का और फ्यूचर रिटेल दोनों का एनालिसिस करके बता दिया, अगर ये न्यूज मतलब बिल्कुल ही सही होएगी होएगी, क्योंकि इसकी पहले भी काफी न्यूज आई थी इसको एक्वायर करने के लिए रिलायंस द्वारा, तो आप इसको सिंपल 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के फ्यूचर रिटेल को बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो सुबह ही, तो फ्रीज लगेगी इसकी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो, थैंक्स, गुरचरण हेयर। थैंक यू।